हेलो बच्चों, आई एम आर पी यादव, योर केमिस्ट्री टीचर। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन स्पेसिफिक केस। ध्यान दें बच्चे लोग, ये जो है एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं जब हम ऑक्सीडेशन नंबर के रूल से निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये गलत आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप पेपर उठा के देखिएगा तो नीट की जो परीक्षाएं होती हैं, नीट की, जेई की, और भी परीक्षाएं जो होती हैं इंटरमीडिएट वगैरह की, एनसीईआरटी में, यूपी बोर्ड की, बहुत ही ज़्यादा पूछता है। एक्चुअली यही पूछता ही है। ठीक है, जैसे इसका पहला एग्जाम्पल हम बच्चों को दिखा रहे हैं जो कि है सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Na2S4O6 इसमें बच्चों को हम दिखा रहे हैं। अब देखो, एक्चुअली बच्चे लोग, होता क्या है कि Na2S4O8 अगर हम इसको वैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो सोडियम प्लस के रूप में होता है, 1 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका मान लेते हैं 4x, सोडियम का हमने मान लिया 4x, ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है तो माइनस 16 हो जाएगा। इस पर कोई चार्ज नहीं बच्चे लोग, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 प्लस 2 है, ठीक है, घट जाएगा तो 10, ये आपका हो आ जाएगा 10/4, मतलब 2.5। जबकि ये है गलत, ये गलत है बच्चे लोग, ऐसे निकालोगे तो गलत आएगा। अब इसका सही क्या है ज़रा देखिए। सही में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो Na2S4O6 है, ये प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है, यानी 2 Na+ में और S4O6- -2 होता है। बच्चे लोग, इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचते हैं, जो कि ऑलरेडी हम बच्चों को पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आता है, तो सल्फर 4 है, तो पहले हम सल्फर सेंट्रल एलिमेंट है, सल्फर को 4 लिख देते हैं और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब इसके बाद ऑक्सीजन की वैल्यू आती है, एक ऑक्सीजन इधर, चूँकि ये सिंगल बाउंड से जुड़ा है इसलिए माइनस चार्ज, सिंगल बाउंड से जुड़ा होगा तो माइनस चार्ज होता है, सभी बच्चे जानते हैं। अब जो बच्चे नहीं जानते, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जाकर देख लीजिएगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखो, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी होता है बच्चे लोग, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ध्यान से इसको देखिएगा। इस पर माइनस 1 है तो इस पर इसके कारण प्लस 1 आया। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है तो इसका माइनस 2 होता है और इसके कारण आ गया इसका प्लस 2। यहाँ पर भी माइनस 2 है तो इसके कारण प्लस 2 आ गया। ये देखो, सल्फर सल्फर से लिंक है इसलिए सेम एलिमेंट है, इसके कारण 0 आएगा। ठीक है, तो इसका भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। ये भी सल्फर इधर से लिंक है, इधर से लिंक है, अतः इसका भी 0 आएगा। ये सल्फर इधर से लिंक है, इधर से लिंक है, इसका भी 0 है। ये सल्फर इधर से लिंक है तो इसका तो 0 है, लेकिन इसका 0 नहीं। तो बताओ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल गई, बोलो कितनी निकल गई, प्लस 5, इसका 0। ऐसे ही निकालोगे तो इसका भी कितना निकलेगा, बोलो प्लस 5। तो सभी बच्चे देख रहे हैं, ये एक्सेप्शनल केस होता है। उसी तरह से अगर आप देखें तो क्रोमियम पेंटोक्साइड, ठीक है, क्रोमियम पेंटोक्साइड CrO5, इसे क्रोमिल ऑक्साइड भी कहते हैं बच्चे लोग, और इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें देखिए, ऐसे निकालोगे तो x की वैल्यू जो इसमें निकल के आएगी रूल द्वारा, तो ये निकलती है प्लस 10, जो कि ये गलत है। अब इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं तो क्रोमियम है, इसका मतलब कहीं भी गड़बड़ आ रहा है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ कारण हो सकता है। ठीक है, या तो पराक्साइड बॉन्ड होता हो सकता है, या तो वो एलिमेंट उसी एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है, जैसे सल्फर में देखें। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं पराक्साइड बॉन्ड है, जानते बच्चे लोग सिंगल सिंगल से पराक्साइड बॉन्ड होता है और इस पर -1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका तो -1 हो गया, इसका भी -1 हो गया,
इसके कारण जो है -1 -1, तो इसका कितना निकला बोलो, +2 निकला, इधर से -1 -1 हो गया, तो इसका क्या निकला, +2 निकला, इधर से -2 है तो +2 इसके कारण निकला और +2 इसके कारण निकला, तो टोटल कितने हो गए बोलो, सॉरी इसका ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी यहाँ पर एक नहीं सही, ठीक है ये नहीं है बच्चे लोग, चूँकि 5 ही है ना, 5 तो हो गए, तो बताओ कितने आ गए, 2 2 4 2 6, तो कितना आ गया +6 इसका ऑक्सीडेशन निकला, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे इस चीज़ का निकाल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर ऐसा है तो हम उसको बड़े फ्रेम से निकाल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक उसी प्रकार से बच्चे लोग जैसे देखो EHESO5 है पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है H2, तो अगर हम वैसे निकालेंगे इसका कितना निकलेगा बोलो, +2 प्लस इसका मान लो एक्स, इसका हो जाएगा -10 -0, एक्स की कितनी आई +8 आई, जो कि सल्फर की +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है, तो इसमें ये एक्सेप्शन है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हम खींचे तो सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, एक परऑक्साइड बॉन्ड है इसमें, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का अधिक सल्फर का अधिक आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड पक्का है, ठीक है ये है। और इसके बाद आपका जो बनता है ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो इसके कारण -1 आया, तो ये चूँकि परऑक्साइड बॉन्ड से है तो इसका कितना आया +1, इसके कारण -2 है तो इसके कारण +2 आया, इसके कारण -1 है तो इसके कारण +1 आया, इसके कारण माइनस, तो टोटल कितना हो गया बच्चे लोग, तो -2 है इसका -2 है तो इसका +2 हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बोलो, इसको जोड़ोगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ये है सल्फर का, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा बच्चे लोग, और हम इसका एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, और डाटा भी कम है, इसलिए थोड़ा सा इसी ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट टाइम पर अगले वीडियो में हम डालेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल है, तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अनुरोध हमारा आपसे है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ये हमारी है, हम आपसे कुछ लेते देते नहीं, केवल मेरी यही, जब आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा भी मोरल सपोर्ट बनता है, बढ़ता है कि बच्चों को और अच्छा दें, ठीक है। तो बस आज यहीं तक, जय हिंद।